वहीं रामबन के गोल और संगलदान में रहने वाले लोगों की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दरअसल संगलदान में एफकॉन्स कंपनी द्वारा लगाए गए बैचिंग प्लांट से लोग बेहद परेशान हैं। इलाके में फैली मशीनों के जरिए पत्थर तोड़कर सीमेंट बनाई जा रही है, जिससे इलाके में धूल और गंदगी फैल रही है। इलाके में स्कूली बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों के साथ साथ आपको बता दें, जो आम लोग हैं वो भी बेहद परेशान हैं, और इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ इनकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि इन मशीनों को रिहायशी इलाकों से दूर किया जाए, ताकि इलाके में रहने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और ये जो बैचिंग प्लांट यहाँ पे लगा है इफकान कंपनी संगलदान, और इसमें तो किसी की परमिशन भी नहीं है कि डीसी साहब को पूछो, सीईओ साहब को पूछो, सबको पूछो, तो किसी को कोई पता ही नहीं है कि इन्होंने बैचिंग प्लांट खड़ा कर दिया है। और ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके जब काम चलाते हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लमें खड़ी हैं, और माल मवेशी की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम। बताएं हम कहाँ जाएंगे, हाँ हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हम कहाँ उनको लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, तो इन्फेक्शन इन्फेक्शन क्या करेंगे हम, आप ही बोलो हम क्या करेंगे। बारिश कर रहे हैं बड़ी, जो यहाँ की मजबूरी हमारी बनी हुई है वो ये है कि यहाँ के 50 फुट के करीब बिल्कुल बेचिंग प्लांट लगा हुआ है, जिसका इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतने ज़्यादा उसने तबाही मचा रखी है कि हमारे बच्चे आज कहीं कहीं दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं।